हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं ग्रेविटेशन के पार्ट थ्री वीडियोज़ हैं। पार्ट वन और टू पहले कर चुके हैं, तो पार्ट थ्री में हम लोग कैपलर्स लॉ को अच्छे से देखेंगे, डिस्कस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझना है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। तो ध्यान से देखना है, पूरा का पूरा देखना है। आधा देखोगे तो आधा नॉलेज होगा, पूरा देखोगे तो पूरा नॉलेज होगा। तो कैपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन में तीन लॉज आपको पढ़ने हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो पहला क्या कहता है, एक एक करके कर लेते हैं। प्लैनेट का रिवॉल्यूशन होने वाला है। लॉ ऑफ ऑर्बिट, एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एज द सन इज सिचुएटेड एट वन फोकाई ऑफ द इलिप्स। अगर आपने मैथमेटिक्स में कॉनिक सेक्शन किया है तो इलिप्स पढ़ाई की होगी, इलिप्स के शेप को समझा होगा। वही जो शेप होता है एलिप्स वाला, यानी कि जो अंडे का शेप होता है, उसी ऑर्बिट में सन रिवॉल्व करता रहता है अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। तो अगर आप ऐसा बना पाते हो, दिस इज अंडा टाइप यानी कि एलिप्स, और यहाँ कहीं पे आपको मिलेगा सन, दिस इज योर सन, ठीक है। और अर्थ विल कीप रिवॉल्विंग, ये मान लो अर्थ है, ये अर्थ इसके चारों ओर ऐसे घूमेगा। तो ये जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है, ये कैपलर्स बाबा ने हमें समझाया था, ठीक है। उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी R&D करी और उन्होंने ये हमें समझाया कि इलिप्टिकल होता है, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने बोला कि भैया सर्कुलर नहीं होता है, भूल जाओ, सर्कुलर वर्कुलर नहीं होता, ये इलिप्स होता है, इस वाले शेप में होता है। तो ये तो था पहली बात। दूसरी बात, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया को इन्होंने क्या बोला था, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट, ठीक है ना। शायद इस लैंग्वेज को आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं आपको दोबारा डायग्राम में आता हूँ। मान लो किसी मोमेंट पे सन इधर है, थोड़े टाइम के बाद अर्थ इधर है, थोड़े टाइम के बाद अर्थ इधर आ गया, तो ये कुछ एरिया बना ना, ये तो एरिया बना है कुछ, इतना इतना सारा एरिया स्वेप आउट किया है, ठीक है ना। मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम T1 लगा होगा, ये पोजीशन A नाम दे दो, ये पोजीशन B नाम दे दो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक घूम घूम के आने में कुछ तो टाइम लगा होगा। और दूसरी पोजीशन मान लेते हैं, सपोज पॉइंट C यहाँ ले लो, पॉइंट D यहाँ ले लो, इसको आप ऐसे जोड़ो, तो यहाँ भी कुछ एरिया स्वेप्ट बाय दी प्लैनेट है, एरिया स्वेप्ट बाय दी प्लैनेट, कुछ तो एरिया है ना, ये तो कुछ तो एरिया बन ही रहा है। अगर सेम टाइम लगा होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में T1 लगा और यहाँ से यहाँ तक आने में T2 अगर लगता है, तो टाइम अगर सेम ले रहे हैं तो एरिया स्वेप्ट विल बी द सेम, ये खुद कह रहा है भैया, देख लो, लाइन जॉइन द प्लैनेट एंड द सन स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जितना टाइम सेम होगा, ये अगर ये T1 है और ये T1 है, तो ये एरिया भी सेम होगा। अगर ये T1 टाइम लग रहा है A से B तक आने में और C से D तक जाने में भी टाइम अगर सेम है, तो ये दोनों एरिया भी सेम होगा। किसने बोला, ये कैपलर्स बाबा ने हमें बोला, कैपलर्स का सेकेंड लॉ है ये, ठीक है। इसके बारे में और भी हम लोग अंदर तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपको रोटेशन भी आता होगा तो मज़ा आ जाएगा, नहीं भी आता होगा तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी, इसका मतलब है कि dA/dt, दिस रेट से एरिया स्वेप्ट किया जा रहा है, dA/dt, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये क्लास 11th एग्जाम में आपको आ सकता है, सब्जेक्टिव में प्रूफ कीजिए dA/dt इज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसको प्रूफ करने को भी दिया जा सकता है। तो आइए हम लोग भी प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है ना, हम लोग भी प्रूफ करके देखेंगे dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस पर थोड़ा सा अगर आप और अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड में चक्कर लगा रहा है, सन के चारों ओर घूम रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, ये सब आपको सोचना पड़ेगा,
इसलिए ग्रेविटेशन चैप्टर को रखा गया है रोटेशन के बाद, क्योंकि रोटेशन के कुछ बातें हैं जो यहाँ पर लागू होती हैं, कुछ बातें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। हालांकि छोटी सी बात है, अगर आपने रोटेशन नहीं पढ़ा है, पहले ग्रेविटेशन में आ गए हो तो आप फिर भी समझ सकते हो। हाँ, जिन बच्चों ने पूरा थॉरली पढ़ लिया है रोटेशन, उसको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बातें हैं, टाइम टी तो एरिया सोप आउट, सेम डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट, एग्जाम में आएगा भैया प्रूफ करो आप डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा प्रूफ करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो उसके लिए मैं इसे हटा दूँ, इसको हटा देता हूँ और जगह बना लेता हूँ। तो आप क्या करोगे, आप पहले इस प्लैनेटरी मोशन को ध्यान से देखो, ठीक है, इस एरिया को ध्यान से देखो। मैं इसको अलग से प्लॉट कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है ना। ऐसा कुछ मैं कर लिया मैंने, और ये डिस्टेंस को मैं आर ले लेता हूँ। मैंने इसी चीज़ को उठा करके यहाँ मैं ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। चलो एक चीज़ मुझे बताओ आप लोग कि यहाँ जो प्लैनेट है और ये क्या है, सन है। तो सन के अराउंड अगर मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर लूँ, इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कर लूँ, राइट, एंड दिस इज मूविंग अराउंड, दिस प्लैनेट इज मूविंग अराउंड दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सन, तो यहाँ से जो डिस्टेंस वैक्टर होगा आर वैक्टर, वो तो ऐसे लेना पड़ेगा मुझे। दिस इज द एक्सिस, दिस इज प्लैनेट, ये हो गया डिस्टेंस वैक्टर। अब सन तो हमेशा पुल करता रहता है, सन क्या करता है, हमेशा पुल करता है किसको, इस अर्थ को या किसी भी प्लैनेट को, ये पुल करता रहेगा, फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है ना, आपको दिख रहा है साफ सा। लेट मी चेक, मेरे को चेक करना पड़ता है बार बार। हाँ सही बात है, तो फोर्स इधर लग रहा है, आर वेक्टर इधर लग रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या मतलब है, बस सोचेंगे सर आप ये क्यों बता रहे हो। तो फोर्स और आर देख लो, दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड, देख रहे हो ना, ये क्या है 180 डिग्री बना रहे हैं ये। अब आपको मैं बोलूँ, अब आप टॉर्क का फॉर्मूला लिखो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर, यही तो होता है टॉर्क का फॉर्मूला, यानी कि आर एफ साइन थीटा होता है टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा क्या लेंगे, ये तो 180 लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, साइन 180, ठीक है ना, और साइन 180 की वैल्यू 0, तो टॉर्क 0। यानी कि ये जो सन है, ये प्लैनेट पे कोई टॉर्क नहीं लगा रहा है, ठीक है ना। यानी कि सन पे जो टॉर्क, अर्थ पे जो टॉर्क लग रहा होगा किसी सन के कारण, दैट इज 0 ओनली, ठीक है ना, वो कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। तो टॉर्क 0 का क्या मतलब होता है, हमने पहले भी पढ़ा रोटेशन मोशन में, टॉर्क जब 0 हो जाए तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, विच इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट, ठीक है ना, या फिर एम वी आर कांस्टेंट। तो हम लोगों ने पढ़ाई तो करी थी लॉज ऑफ मोशन में भी कि फोर्स अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, राइट। फोर्स अगर जीरो हो जाए तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, यानी कंजर्व, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कंजर्व, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ पर फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, तो लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ गया, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब ये हो गया। अगर मैं ए की बात करूँ तो मास वेलोसिटी इंटू आर, ये जो क्वांटिटी है दैट विल बी, अगर मैं बी से कंपेयर करूँ तो मास वेलोसिटी बी आर बी विल बी अ कांस्टेंट, ठीक है ना। यानी कि वी ए आर ए इंटू मास इज इक्वल टू वी बी आर बी इंटू मास विल बी ए कांस्टेंट फैक्टर। इसका क्या मतलब है, मास तो चला गया, इसका क्या मतलब है, वी ए आर ए इज इक्वल टू वी बी आर बी, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। यानी कि वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू आर बी बाई आर ए, ये रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। वी ए बाई वी बी का जो रेशियो होगा और आर बी बाई आर ए का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा,
चेंज करेगा जरूर, लेकिन टोटल चीज जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, या फिर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इनटू रेडियस कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्योंकि मास तो फिक्स था, वो हट गया, वो फैक्टर हट गया, तो आपको ये फैक्टर मिल गया, ठीक है। तो आपको प्रूफ करने को क्या आ सकता है कि प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रिवॉल्विंग प्लैनेट इज कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपको टॉर्क कांस्टेंट करना पड़ेगा विद द डायग्राम, टॉर्क को आपको जीरो प्रूफ करना पड़ेगा, तभी आप बोल सकते हो ये हम कर सकते हैं। अब हमारे को प्रूफ करना है कि dA by dt कांस्टेंट है, ये कैसे प्रूफ होगा dA by dt कांस्टेंट है, ये प्रूफ करना है। तो चलो एरिया की बात हो रही है तो हम लोग इस एरिया को पहले फाइंड कर लेते हैं, ये जो एरिया हमारे पास है ना इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है, तो अब बताओ यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो मैं क्या लिखूँगा, वेलोसिटी इनटू टाइम लिख लें, ऐसे लिख सकते हैं, चलो ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो आर इधर है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करूँ, ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो इसकी हाइट होगी कुछ, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर मैं निकालूं तो क्या लिखूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और ये एंगल आप थीटा मान लो, ये ऐसा कुछ है ना, थीटा मान लेते हैं, चलो मान लिया, ठीक है ना। एम वी आर कॉन्स्टेंट है, हम लोग पहले ही लिख रखा है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है चीज़ों को, ठीक है ना। डी ए बाई डी टी प्रूफ करने को एग्जाम में आता है, अक्सर आते हैं। तो एरिया ऑफ द, मैं जो लिखूंगा ये छोटा सा, मैंने छोटा सा फिगर लिया है, पूरा एरिया की तो हम बात नहीं कर रहे, छोटे से एरिया, तो डी ए, डी ए में क्या लिखूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। बेस यानी कि आर लेने वाला हूँ मैं, बेस यानी कि आर लेने वाला हूँ, और यहाँ पे छोटा सा टाइम है डी टी, ये डी टी टाइम के लिए मैं काम करूँगा, तो वी इंटू डी टी, वी इंटू डी टी वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि डिस्टेंस ही तो है, लेंथ ही तो है, हाफ बेस, बेस आर हो गया, हाइट एच हो गया। अब मैं इस ट्रायंगल की अगर बात करूं तो इस, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये है वी डी टी, ये एच और ये है थीटा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मैं लिख तो सकते हैं, बेसिक है, टेंथ में पढ़ा है हम लोगों ने, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि जो एच मेरे को मिलेगा वो मिल जाएगा वी डी टी साइन थीटा, एच क्या मिलेगा, वी डी टी साइन थीटा। तो मैं यहां से एच को हटा देता हूं, ठीक है ना, और क्या लिखेंगे, वी डी टी साइन थीटा, ठीक है ना, ओके। तो मैं लिख सकता हूं डी ए इज इक्वल टू हाफ आर वी डी टी साइन थीटा, ठीक है, बढ़िया है, चलो अच्छी बात है। अब मैं आपको अगर वेक्टर इक्वेशन लिखने को बोलूं एंगुलर मोमेंटम का, तो आप क्या लिखोगे, वेक्टर इक्वेशन आपको याद है एंगुलर मोमेंटम का, वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर, यानी कि एल हो जाएगा एम वी आर साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आएगा, ठीक है, एम वी आर साइन थीटा। वापस यहाँ आ जाओ, यहाँ एम का फैक्टर नहीं है, तो मैंने क्या किया, एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड, कर तो सकते हैं, ठीक है ना, कर तो सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक टर्म मिल गया, एम भी मिल गया, वी भी मिल गया, आर भी मिल गया, मिल गया ना। इस डी टी को आप नीचे ले आओ, डी ए बाई डी टी हाफ एम वी आर साइन थीटा, ठीक है ना, क्या मिल गया, हाफ एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा, डी टी को नीचे ले गया, हाफ इधर आ गया, तो एम वी आर साइन थीटा क्या, एंगुलर मोमेंटम एल ही तो है, ठीक है ना। सो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ एल बाई टू एम, ये पूरा एल हो गया, टू एम पहले से ही नीचे में आपको दिख रहा है ना, आई हैव चेक कैमरा अगेन एंड अगेन, या फैंटास्टिक, ठीक है बच्चों। तो डी ए बाई डी टी मुझे क्या मिल गया, एल बाई टू एम मिल गया। अब आप बोलोगे सर आप तो डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट प्रूफ करने वाले थे, ये तो एल बाई टू एम आ गया, हालांकि ये भी डेरिवेशन एग्जाम में आपको दिया जा सकता है कि प्रूव दैट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ द मास। अब हम लोगों ने क्या देखा था, टॉर्क तो जीरो था,
तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी आ गई कांस्टेंट। ठीक है ना, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आपको मिल गई कांस्टेंट। आप यहां भी लिख के छोड़ सकते हो dA by dt L by 2m is equal to constant। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है dA by dt is equal to constant, L by 2m constant। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है प्रूफ करने के लिए कि dA by dt प्रूव दैट इज कांस्टेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, प्रूफ कीजिए। बहुत सारे बच्चों के मालूम ही नहीं प्रूफ करते कैसे हैं, उनको लगता है अरे रोटेशन इन्वॉल्व हो गया तो बहुत मुश्किल होगा, छोड़ दो। तो जनरली बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें छोड़ने वाली कुछ बात है भी नहीं। ठीक है, तो ये सब किसके लिए था? ये सब था कैपलस के सेकेंड लॉ के लिए। इसको लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी हमारा आ गया। ये dA by dt को बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, क्योंकि इसमें वेलोसिटी तो है नहीं, लेकिन फिर भी बोलते हैं dA by dt इज एरियल वेलोसिटी, नाम है इसका एरियल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ठीक है। थर्ड लॉ क्या था कैपलस का? थर्ड लॉ ये था कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, थर्ड लॉ ये कहता है कैपलस का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली रिलेटेड टू रेडियस का क्यूब। ये हम लोगों ने वीडियो वन में भी प्रूफ किया था। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मान लेते हैं कि किसी रेडियस आर पे ना सर्कुलर मोशन ही हो रहा होगा, दैट इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कुलर मोशन। अब है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट, लेकिन फॉर द पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर दिस पर्टिकुलर रेडियस, हम लोग सर्कल लेकर के ट्रीटमेंट देते हैं और ये रिलेशनशिप निकाल लेते हैं जो हम लोगों ने वीडियो वन में किया हुआ है। किया तो था हम लोगों ने वीडियो वन में, अगर आपको याद है तो, टी इज इक्वल टू पाई आर टू द पावर 3/2 अंडर रूट ऑफ gm। ठीक है ना, अब ये सब तो कांस्टेंट ही है, अब वहां जाके देख सकते हो ये सब सारे कांस्टेंट है। दैट मींस टी डायरेक्टली रिलेटेड टू आर टू द पावर 3/2, इसको स्क्वायरिंग कर दो बोथ द साइड्स, तो टी स्क्वायर आर पे पावर क्यूब हो जाएगा। यही तो था, ठीक है ना। तो ये है हमारा कैपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से नोट डाउन करना है, क्योंकि आने वाले वीडियोज में हम लोग क्वेश्चन भी करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट गई वो भी करने वाले हैं, जैसे पोलर सैटेलाइट क्या होता है, उसके क्या यूज़ हैं, और वेटलेसनेस क्या होता है ये भी देखेंगे, लैटिट्यूड देखेंगे, जो अर्थ के एंगल होता है, अर्थ के सेंटर के साथ जो एंगल बनता है वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों, टेक केयर।